राजस्थान के जयपुर से एक अनोखा और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 14 महीने पहले अगवा हुए बच्चे किडनैपर से इस कदर लगाव हो गया कि जब पुलिस उसे उसके परिवार से मिलवाने के लिए ले जाने लगी तो बच्चा किडनैपर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जी हाँ, एक किडनैपर ने बच्चे को 14 महीने पहले अगवा किया था और अब जब 14 महीने बाद पुलिस ने बच्चे को खोज निकाला और किडनैपर से अलग करने लगे तो बच्चा रोने लगा। बच्चा किडनैपर से लिपट कर बहुत ज्यादा रोने लगा। बच्चे को बिलक बिलक कर रोते देख किडनैपर की आंखें भी नम हो गई और वो रोने लगा। इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रही है और वहीं बच्चा किडनैपर से लिपट कर जोर जोर से रोता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे बच्चा और किडनैपर दोनों भावुक हो गए। इसके बाद आरोपी भी रो पड़ा। पुलिस जबरदस्ती बच्चे को आरोपी से छुड़ाकर उसकी माँ के पास ले गई, लेकिन बच्चा रोता रहा। माँ के पास जाने के बाद भी वो चुप नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक बच्चा करीब 14 महीने तक किडनैपर के पास रहा था, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय किडनैपर ने बच्चे का खूब ख्याल रखा। उसे खिलौने और कपड़े भी लाकर दिए। इससे बच्चे को किडनैपर से ऐसा लगाव हो गया कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की पहचान तनु चाहर के तौर पर हुई है और वो उत्तर प्रदेश का हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।